Now, I welcome you, my dear students, in e-learning classes of St. Michael's Academy. Now, in the continuation of the Thales Theorem, NCERT book, exercise 3.2, in this video, I am going to explain, discuss, and solve with you two very important questions. And both questions are the board model question. Board examination mein wo aa chuke hain. और इन दोनों क्वेश्चन की एक और खासियत है, दीज टू क्वेश्चंस आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर. मैंने बताया था कन्वर्स का मतलब क्या होता है, कि जो एक क्वेश्चन का जो फैक्ट है वो दूसरे क्वेश्चन में हमको प्रूव करना पड़ता है, और पहले क्वेश्चन में जो प्रूव करना पड़ता है वो दूसरे क्वेश्चन का हमारा गिवन फैक्ट हो जाता है. तो चलिए पहले इन दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, और साइमल्टेनियसली मैं इन दोनों क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा और सॉल्व करूंगा. ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और आपके एग्जाम में इसके आने की संभावना भी है. ये मेरा एक हिंट याद रखिएगा, ये हॉट क्वेश्चन है, हॉट. चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि एबीसीडी इज ए ट्रैपीजियम, एबीसीडी इज ए ट्रैपीजियम इन विच एबी इज पैरेलल टू डीसी and their diagonals intersect at O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. तो इसमें given fact क्या है बच्चों? ABCD is a trapezium. ये given fact है. ABCD is a trapezium. हमको prove करना है कि diagonals intersect at equal ratio AO upon BO is equal to CO upon DO. अब दूसरे question पर हम आते हैं. इसमें क्या दे रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट. इसमें जो प्रूफ करना है एओ अपॉन बीओ सीओ अपॉन डीओ, वो फैक्ट इसमें दिया हुआ है, सच दैट एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ. इट इज गिवन, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ. कन्वर्स हो गया. इसमें हमको क्या कर दिया था, एबीसीडी इज ए ट्रैपीजियम. इसमें प्रूफ करना है एबीसीडी इज ए ट्रैपीजियम. अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं. इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है कि ड्रॉ एमओ पैरेलल टू एबी. हमने कंस्ट्रक्शन ले लिया. अब देखिए, वी हैव गिवन एबी इज पैरेलल टू डीसी. इट इज गिवन एबी इज पैरेलल टू एमओ. ये हमको कहां से मिला, कंस्ट्रक्शन से मिला. इससे हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, कि ए बी इज पैरल टू एम ओ इज पैरल टू डी सी. ये हमें प्रूव कर दिया कि नाउ दिस ऑल थ्री लाइंस आर पैरल टू ईच अदर. अब आते हैं फिर से कि हमारा बेसिक थ्योरम क्या है बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस टॉपिक का, थेल्स थ्योरम. तो इसमें क्या हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, और फिर वही मैं आपको हिंट्स दूंगा, इसमें एक ही स्टेप को हमको दो बार करना है. तो हमको इसमें से उस ट्रायंगल को सर्च करने हैं, वो ट्रायंगल सर्च करने हैं जिसमें एक एक बेस लाइन के पैरेलल में कोई दूसरा हमारे पास पैरेलल लाइन दिया गया हो. तो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल डी ए बी. इन ट्रायंगल डी ए बी MO is parallel to AB. ये मिल गया हमको कंडीशन ऑफ थेल्स थ्योरम. तो हम क्या लिखेंगे कि DM upon MA, DM upon MA is equal to DO upon OB. ये हमको मिल गया, कहां से मिला बच्चों, थेल्स थ्योरम से मिला, इक्वेशन वन. अब इसी फिगर में एक दूसरा हमको ट्रायंगल को फाइंड आउट करना है जिसमें हमको दो लाइन पैरेलल मिले. अब इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल डी ए सी, ट्रायंगल डी ए सी, एमओ इज पैरेलल टू डी सी. इन ट्रायंगल डी ए सी MO is parallel to DC. हमने प्रूव कर दिया है. अब इसमें भी थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे इसी कंडीशन में, DM upon MA is equal to CO upon
OA, मिल गया बच्चों, DM अपॉन MA इज इक्वल टू CO अपॉन OA, चलिए DM अपॉन MA इज इक्वल टू CO अपॉन OA, ये हमको कहां से मिला, थेल्स थ्योरम इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन और टू को आप ऑब्जर्व करो तो यहां पर LHS में देखोगे DM अपॉन MA, यहां भी DM अपॉन MA मिला, तो इक्वेशन वन और टू से हमको एक फैक्ट मिलेगा कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू इफ LHS आर इक्वल देन दिस RHS आर ऑल्सो इक्वल, तो क्या हो जाएगा हमारा DO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन OA। अब जो हमको प्रूव करना था AO BO CO DO, देखिए AO BO CO DO सब आ गया, अब इसको क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा AO इंटू DO इज इक्वल टू CO इंटू BO। अब AO को यहां आने दीजिए आप और BO को यहां लेकर आइए, फिर CO को यहां आने दीजिए और DO इधर आ गया, तो DO, तो जो फैक्ट था हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा हो गया प्रूफ। अब इसी से हमको हिंट मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन फैक्ट था ABCD is a trapezium, वो हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट ABCD is a trapezium, जो हमको प्रूव करना था AO अपॉन BO CO अपॉन DO क्वेश्चन नंबर 9 में, उसके कन्वर्स में दोस फैक्ट इज गिवन, AO अपॉन BO CO अपॉन DO इज गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड यू हैव टू प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए trapezium which was given in question number 9. So both questions are reversed to each other, converse to each other. तो इसको भी सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, यहां से हम कन्वर्स जाएंगे, इसके यहां से हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, जहां से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को एंड किया है क्वेश्चन नंबर 10 का बिगिनिंग भी हमारा वहीं से होगा। इसमें भी कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों, OM is parallel to, हमने MO इज पैरेलल टू क्या लिया है, AB लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए प्रूफ, पहले जो फैक्ट दिया हुआ है हम वो ले लेंगे, जो यहां पर प्रूफ दिया है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये फैक्ट कहां से मिला, हमको गिवन है। अब इस फैक्ट, अब यहां से हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे और इस स्टेप को लिखेंगे जो यहां पर हमको मिला है, क्या हो जाएगा हमारा AO इंटू DO इज इक्वल टू CO इंटू BO। आप ध्यान देंगे बच्चों, हम यहां से क्वेश्चन नंबर 10 की स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, यहां हमने क्वेश्चन नंबर 9 को एंड किया, वहां से रिवर्स ऑर्डर, अब फिर इस स्टेप से हम इस स्टेप पर आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO। अब इस स्टेप से ये स्टेप मिल गया, अब इस स्टेप को आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। अब हमने जो कंस्ट्रक्शन बनाया, देखिए डिडक्शन में यही चीज है बच्चों, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिडक्शन क्वेश्चन, ज्योमेट्री क्वेश्चन, थ्योरम एंड अदर क्वेश्चन। इन अदर क्वेश्चन ईच फॉलोइंग स्टेप्स आर कनेक्टेड विद दिस प्रीवियस स्टेप, लेकिन डिडक्शन में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट बनाते हैं, वी हैव द फ्रेमवर्क ऑफ आंसर इन द बिगिनिंग ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ हियर आई स्टॉप दिस, नाउ आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन स्टार्ट विथ ए न्यू बिगिनिंग, एंड व्हाट इज द न्यू बिगिनिंग, आई विल टेक अ ट्रायंगल इन विच द कंडीशन ऑफ थेल्स थ्योरम इज गिवन। कंडीशन ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होगा, क्या हमको एक ऐसा ट्रायंगल सर्च करना है इसमें एक बेस लाइन के पैरेलल में, एक बेस लाइन के पैरेलल में दूसरा पैरेलल लाइन दिया हुआ है, एक बेस लाइन के पैरेलल में दूसरा लाइन दिया हुआ है, तो हमको कौन सा ट्रायंगल मिला, डी ए बी।
in triangle DAB, MO is parallel to AB. ये fact है, हमको कहां से मिला बच्चों? Construction से मिला. मैंने हमेशा बताया, जो भी fact आप लिखोगे उसके अगेंस्ट में, उसके लिए आपको उसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है. तो इस ट्रायंगल में, ये जो हमारा ट्रायंगल हुआ, इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि हमारा थेल्स थ्योरम का कंडीशन फुलफिल हो गया. तब हम क्या लिखेंगे? डीओ अपॉन ए बी, डीओ अपॉन ओ बी को हम बी ओ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू डीएम अपॉन एम ए, डीएम अपॉन एम ए. ये हमको कहां से मिला बच्चों? थेल्स थ्योरम से मिला, कंडीशन नंबर टू. और फिर मैं कहूंगा कि आप इक्वेशन और टू को ऑब्जर्व कीजिए, वही कंडीशन मिलेगा आपको कि दोनों में आप देख रहे हैं कि LHS क्या है हमारा, इक्वल. तो जब LHS इक्वल हुआ तो हमको क्या रिजल्ट मिला? दोनों इक्वेशन के RHS हमारे इक्वल हो जाएंगे. तो फ्रॉम वन एंड टू, CO अपॉन AO इज इक्वल टू DM अपॉन MA. ये हमको मिला इक्वेशन थ्री. जब हमने इक्वेशन वन और टू को कंपेयर किया तो हमने देखा कि द LHS ऑफ इक्वेशन वन एंड टू आर इक्वल, सो ऑटोमेटिकली द RHS ऑफ बोथ इक्वेशन वन एंड टू विल बी इक्वल. अब ये जो कंडीशन मिला है, इस कंडीशन को हम लोग, जो फिगर दिया हुआ है उस कंडीशन से हम थोड़ा आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहूंगा. चलिए, जो रिजल्ट थ्री हमने फाइंड आउट किया है, CO अपॉन AO, CO अपॉन AO इज इक्वल टू DM अपॉन MA. अब ये जो फैक्ट मिला, ये फैक्ट हमको किस थ्योरम के रिजल्ट को इंडिकेट करता है? हमने दो थ्योरम पढ़ा है, थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स को. तो थेल्स थ्योरम में कंडीशन क्या है गिवन? लाइन पैरेलल, देन द साइड्स आर प्रोपोर्शनल. हियर द कन्वर्स, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन लाइंस आर पैरेलल. हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ए सी साइड्स डी ए एंड सी ए आर इन इक्वल रेशियो बाय पॉइंट एम एंड ओ. सीओ अपॉन ए ओ इज इक्वल टू डी एम अपॉन एम ए. तो इससे हमको क्या मिल जाएगा कि एम ओ इज पैरेलल टू DC. ये हमको कहां से मिला बच्चों? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फोर. लेकिन हमारे पास कंस्ट्रक्शन में, हमने देखिए कंस्ट्रक्शन को गौर कीजिए, हमने क्या किया था? MO को हमने किसके पैरेलल ड्रॉ किया था? AB के. MO इज पैरेलल टू AB. ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन से इक्वेशन नंबर फाइव. तो इन दोनों में हम जब कंपेयर करेंगे तो हमको क्या देख रहे हैं यहां पर कि हमारा LHS जो है दोनों तरफ इक्वल है, विच मींस दैट AB इज पैरेलल टू DC. तब यहां लिखेंगे हम, सो AB इज पैरेलल टू DC. इफ AB इज पैरेलल टू DC इन क्वाड्रिलेटरल ABC D, if one pair of opposite sides are parallel in a quadrilateral, तो हमको मिल गया कि A B C D is a trapezium. ये हमको प्रूव करना था बच्चों. और ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपके लिए, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है, आपके टर्मिनल एग्जामिनेशन में भी आएगा. तो इस क्वेश्चन को आपको, अब आपको 6.2 के मैंने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, आपसे डिस्कस किया और उसको सॉल्व किया. योर होमवर्क टू कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2 ऑफ एनसीईआरटी बुक एंड एक्सरसाइज 4A फ्रॉम आर एस अग्रवाल बुक.
I will take your doubts. Again, I give you the hints. You'll go on the playlist, you touch that point, select the class, all the class 10 video will come here, and you can see different subjects of video. Please like and subscribe. Complete the homework from NCERT book, RS Agrawal book, in any other book you want to do the questions for your extended knowledge, do. You are welcome and feel free to ask your doubts. Best of luck. Thank you.